दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज से दिल्ली में ग्रैप टू लागू हुआ है आनंद विहार में ईक्यूआई सबसे ज्यादा है सबसे इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो डीजल बसें बताई जा रही जो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। गोपाल राय ने साथ ही कहा कि आज मैं उत्तर प्रदेश राजस्थान और हरियाणा सरकार को पत्र लिख रहा हूँ कृत्रिम बारिश और ऑड एंड इवन जल्दी लागू हो सकता है हम लगातार कदम उठा रहे हैं और जो भी कदम जरूरी होगा हम उठाएंगे काली कुंज पर पानी के साथ झाग आ रहा हम पानी को आने से नहीं रोक सकते लेकिन हम इसे साफ कर सकते हैं और हम साफ भी करेंगे के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश के बाद हवा की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो अब धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है ग्रैप के चार चरण है पहला चरण जो है वो 200 से 300 सौ एक्यूआई होने पर लागू होता है तीन सौ से ऊपर होने पर ग्रेप टू के नियम लागू होते हैं इस ग्रैप का मकसद क्या है ग्रैप का मकसद यह है कि अगर मौसम प्रतिकूल होता है तो जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए इसलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जिन वजहों से पोल्यूशन पैदा हो रहा है उनको कंट्रोल किया जाए इसके लिए ग्रेप टू लागू हुआ है ग्रैप वन और ग्रैफ टू में जो मुख्य अंतर है कि ग्रैप वन से ग्रैफ टू में पांच मुख्य तौर पर नए जो है पहलकदमियां ली जाएंगी पहला तो ये कि जो जगह जगह डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो पानी का छिड़काव था उसमें डस्ट सेपरेशन एक पाउडर होता है उसको मिलाकर के छिड़काव करने का निर्देश है दूसरा जो आरडब्ल्यूएज है उनको हीटर अपने वर्कर्स को अपने गार्ड को प्रोवाइड करने का निर्देश है तीसरा जो है मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी जो है वो फेरे बढ़ाने का निर्देश है चौथा जो पार्किंग शुल्क है उनको बढ़ाने का है और पांचवा मुख्य तौर पर जो डीजल से जो जनरेटर्स चलते हैं जो पोल्यूशन पैदा करते हैं उनको रेगुलेट करने का निर्देश है